दोस्तों भाई आज देख लो, मेरी गाड़ी में लग रहा है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड लग रहा है 2 GB 16 GB पैनासाउंड। खोल खाल दिया है सारा कुछ। अब देखो आर्टिका वीडियो 2015 मॉडल है, और ये रखा हुआ है अपना पैनासाउंड। ठीक है भाई, जब लगेगा तब आपको दिखाते हैं। फिर भाई अपना हो गया है ऑन, टच बहुत स्मूथ है, पैनासाउंड का है। और पैनासाउंड तो पता ही है भैया आप लोगों को, सबसे बेस्ट सेटिंग है, सबसे बढ़िया होता है। 216 है, अब बस इसकी मैचअप करना है स्टेयरिंग के साथ। स्टेयरिंग के साथ मैचअप आपने बहुत बार। साइडों में ये सारा गंदा हो गया, इसको भी क्लीन कराना पड़ेगा। ठीक है, इसकी क्लच दबाने के बाद जो है कभी कभी सेल्फ ले नहीं रही है, वो ठीक करना पड़ेगा। गियर ओके है, बाकी थोड़ी बहुत मिसिंग कर रही है, तो सर्विस दी थी, सर्विस कराएंगे। तो भाई सर्विस कराने के लिए हम बाहर ही आए हैं, सर्विस सेंटर से नहीं करा रहे हैं। हमने लिया है मोटुल का 7100 वी 20W50, इसमें 10W40 भी आ जाए। ज़रा बाइक पल्सर की सफाई कराने के लिए, वॉशिंग कराने के लिए लोकल है, रोहिणी सेक्टर 3 में आया हूँ, तो दिखाता हूँ कैसे हो रही है। ये है, ये अंदर भी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसमें बहुत हल्का हल्का मैंने पानी मरवाया, देख रहा। अब आप पूरी क्लीन हो, ताला लगा, ठीक है, पूरा क्लीन हो गया, मस्त शाइन कर रही है। देखो आ लेनी चाहिए यार, ज़रूरी होती है ये, कम से कम बाइक तो शाइन करे यार। नहीं लगाओगे क्या फ़ायदा, ख़राब हो जाएगी। वॉशिंग तो करा लोगे लेकिन दाग धब्बे रह जाएंगे, तो इससे बेटर ये है कि भैया लगवा लो। हमने तो कराई भी नहीं है, साल भर से नहीं कराई तो इससे बेटर है कि करा ही लेते हैं। बाइक अपनी पॉलिश हो गई है, देखो शाइन देख रहे हो, स्वेल मार्क्स हैं वो आपको पता है, कंपाउंडिंग से ही जाएंगे, लेकिन इतने नहीं हैं, देखो थोड़े थोड़े हैं कई जगह पर, लेकिन इतने नहीं हैं। तो हो गई अपनी बाइक पूरी तरह से पॉलिश, मैंने वैक्स पॉलिश कराई है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों के पास, जिन भाइयों के पास ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि 2012, 2013, 2014, 2015, उनके अंदर हेडलाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। हेडलाइट की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो कंपनी हेलोजन बल्ब देती है उनमें इतनी रोशनी नहीं होती, और वो जो बल्ब के बल्ब होता है वो 55-60 वाट का होता है, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है, हम मिंडा की रिले लगा सकते हैं, जो कि 100-130 वाट की होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन सी होती है, उसका क्या क्या उसका पैरामीटर्स है, क्या उसके डिस्क्रिप्शन से, सब आपको पता लग जाएगा। मेरे पास अभी आर्टिका ओल्ड मॉडल 2015 VDI, आर्टिका VDI डीजल वर्जन है ये, इसके अंदर मैंने इंस्टॉल करवाई थी कुछ दिन पहले। और मैं आपको एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ भी बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं बनाता मैं, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन के वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लगवाई है, और लगाने के बाद मेरे को रिस्पांस कैसा मिला वो बताऊंगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी बताऊंगा कि इसके साथ बल्ब कौन से लगाने चाहिए। दो चीज़ें होती हैं जो लोगों को जनरली पता नहीं है, दुकानदार बेचते हैं लेकिन वो बताते नहीं है। ठीक है, तो आप कैमरा जो है एक बार इधर ले आओ, ये देखो मैंने ये लगाई हुई, ये देखो इसकी वायरिंग देखो, ये यहाँ से एक वायर इसका यहाँ पे लग जाता है बैटरी के पॉजिटिव में, ठीक है, ये लग गया। और यहाँ से ये सारी वायरिंग मैंने कोने कोने से, और इधर देखोगे ना आप, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैंने, ये इसके फ्यूज़ है, इसके अंदर इनके फ्यूज़ लगे रहते हैं, तो ये मैंने साइड में छुपा दिए ताकि नज़र ना आए। और यहाँ पे देखो सारी वायरिंग कोने 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 से, आप देख रहे हो ये वायरिंग, ये सारी कोने कोने से जाते हुए यहाँ पे आते हुए भैया एक इस बल्ब में जा रही है, और वापस से आप इधर आओगे तो एक ये इस बल्ब में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये बल्ब में जा रही है अंदर, ये बल्ब, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होता है, तो ये वायरिंग, तो लगाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ से यहाँ पे आपको लेके जानी होती है वायरिंग, वो लगाने वाला, क्योंकि लगा आप खुद पाओगे नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से लगवाओ, तो ये वायरिंग यहाँ पर लग जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक
है, लेकिन मैंने इसके अंदर वो गलती नहीं करी क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिशियन था उसको पता था, उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि आप जाके उसको बोलना मुझे 90-100 वाट चाहिए, तो 90-100 वाट का एक बल्ब 180 रुपये का है, फिलिप्स का ले लो, ओसराम का ले लो, चाहे आप मिंडा का ले लो, 180 रुपये का बल्ब, और मैं रिकमेंड करूँगा फिलिप्स लो क्योंकि फिलिप्स से बेटर कोई बल्ब नहीं है मिंडा की रिले के साथ। तो मैंने 90-100 वाट का, वाट मैं फिर बोल रहा हूँ वाट नॉट सीपी, उसके ऊपर देखना बल्ब के ऊपर हमेशा सीपी लिखा होता है आप, लेकिन वाट वाला लेना, वाट वाला एक बल्ब 180 रुपये का आएगा। मैंने दो लिए और मैंने इसके अंदर इंस्टॉल भी किए, इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको पता कैसे इंस्टॉल करने होते हैं, रिकमेंड करूँगा आप इलेक्ट्रिशियन से इंस्टॉल कराओ, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ थी कि भाई 90-100 वाट का बल्ब लेना, एक बल्ब 180 रुपये का आता है, दो बल्ब 360 रुपये या जो भी 370 रुपये 80 रुपये डिपेंड करता है वो कैसे दे रहा है। मेरे को जो मिला था 180 रुपये का एक मिला, तो मैं आपको दिखा दूंगा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा उस पर क्या लिखा होता है, आपको लेना लेकिन 90-100 वाट है जिसमें रोशनी बहुत तेज होती है, 90-100 वाट सीपी भी आता है जिसको कैंडल पावर बोलते हैं, उसमें पावर उसमें रोशनी ज़्यादा नहीं होती, उसमें कम रोशनी होती है, तो इसलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने रिले लगा ली फिर भी हमारी रोशनी नहीं बढ़ी। रोशनी बढ़ेगी कैसे, जब भाई आप 90-100 कैंडल लगाओगे, कैंडल पावर, कैंडल में पावर नहीं होती, आप सोचो आपको वाट लगाना, वाट में हमेशा पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। मैंने हेडलाइट ऑन कर दिया, अब आप इधर कैमरा दिखाओ, ये देखो ये है सिर्फ लो बीम दिन के टाइम में, वो देखो सामने दीवार पे देखो आप कितनी तेज़ रोशनी है, देख रहे हो, अभी कैमरा ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा लेकिन रोशनी बहुत तेज़ है, मेरे हाथ पे देखो आप कितनी तेज़ रोशनी है, वरना कैंडल पावर कितनी नहीं होती। और मैं ये भी लो बीम है, अब मैं हाई बीम आपको करके दिखाऊंगा, कर दिया हाई बीम, अब आप हाई बीम देखो, मेरा हाथ देखो कितना वाइट हो रहा है, और देखो सामने दीवार पे रोशनी दिन के टाइम में देखो क्लियर पता लग रहा है, ठीक है। और ये देखो तो कैमरा शायद ज़्यादा जस्टिफाई ना करता लेकिन ये 90-100 वाट, आप थोड़ा सा और कैमरा यहाँ पे दिखाऊँ इसके अंदर, ये देखो कितनी तेज़ रोशनी है। तो ये है 90-100 वाट का बल्ब, ना कि पिटाई हो रही है भाई स्टेयरिंग की, तभी निकलेगा ये थोड़ा बहुत। फाइनली हमारा निकल गया भाई, ये रहा भैया स्टीयरिंग सीधा रखना थोड़ा एक बार भाई, ये रहा अपना स्टीयरिंग, स्टीयरिंग भाई, तो ये बाहर आ गया। इसके बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ मैं, इसके बैक साइड में क्या होता है कि ये हब ऐसा होता है जिसकी वजह से ये लगता नहीं, और देख रहे हो अभी कितना जाम हो गया था। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो ये अपनी आर्टिका VDI 2015 मॉडल, देखो स्टेयरिंग लग गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई देख रहे हो आप काम भी कर रहा है आराम से, मैंने वॉल्यूम बंद कर रखी है, ठीक है। और देखो मोड भी आराम से चेंज हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ मोड का बटन है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मोड का बटन है, और आप लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट साइड में देखो, ये देखो चेंज हो रहा है FM2 AM डिस्क USB ऑक्स और रेडियो, ठीक है। ये हो गया चैनल चेंज करने के लिए, देख रहे हो आराम से चैनल चेंज हो रहे हैं, और ये हो गया वॉल्यूम घटाने बढ़ाने का, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें, देख रहे हो रही है, ज़्यादा तेज गाना नहीं बजा सकता ये तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो ये है और ये देखो म्यूट हो गया, म्यूट अलॉन्ग स्टीयरिंग से, तो सबसे पहले आप स्टीयरिंग देखो, इसका स्टीयरिंग का लुक देखो आप, महिंद्रा का लुक बहुत ही डिफरेंट, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अलग ही है। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल है, सेट है, रेज्यूम है, अगर आप बैक जाना चाहें या कैंसिल करना चाहें, और लेफ्ट साइड में आपका सोर्स है, वॉल्यूम की सीकिंग करना वॉल्यूम का है, कुछ मीटर में आपको चेंज करना है सीक करने के लिए, कॉल डिसकनेक्ट है, कनेक्ट है, पिक करने का है, सोर्स चेंज करना है जैसे FM करना है, USB करना है या म्यूट करना है, दिस इज़ व्हाट यू हैव इन द स्टीयरिंग। और उसका क्लस्टर देखो आप, सबसे पहली बात महिंद्रा में ही आया कि पूरा क्लस्टर एक ही है, सिंगल क्लस्टर दिया हुआ जिसके अंदर आपका म्यूजिक सिस्टम भी है दिस वन, और ये आपका क्लस्टर है। ये मैंने भाई आर्टिका में ये एंड्रॉयड स्टीरियो लगा लिया, और ये पैनासाउंड का जैसे आप देख सकते हो, तो भाई दिखाते हुए लगाते हुए दिखाया था, पूरा रिव्यू तो दिया नहीं था, तो भाई आज ये होने वाला है इस एंड्रॉयड स्टीरियो का पूरा रिव्यू, पैनासाउंड का है ये, ठीक है। अभी मैं सब कुछ दिखाता हूँ इसमें क्या है कैसे नहीं है, क्या इसका वर्जन है और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो भाई इसके मेन मेन्यू से शुरू करते हैं, या फिर अगर आप कहते हो तो मैं इसके ये इसका वॉलपेपर है यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो पैनासाउंड का लोगो, उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी है, नीचे डेट भी है, और आपका
नीचे यहाँ पे डे भी दिखा रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये स्पीड है, यहाँ पे स्पीड दिखाता है, ठीक है। मैंने इसको टच कर दिया, जब गाड़ी चलती है बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड दिखाता है। म्यूजिक भी आप सामने ही नेविगेट कर सकते हो, नीचे देखो आप नीचे नेविगेट भी कर सकते हो। मैप, ब्लूटूथ, ये इसका मेन मेन्यू, ये इसका म्यूजिक और ये इसके सेटिंग्स, ठीक है। तो ये देखो कैलेंडर, ये इसका कैलेंडर है। अगर मैं इसको यहाँ पे डबल टैप, लोग सोचते हैं हो जाएगा या टैप करने से कुछ हो जाएगा, होगा नहीं, सिर्फ ये व्यू है, यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करूंगा लोकली, अगर इसके अंदर सॉन्ग्स पड़े होंगे लोकल, तो यहाँ से अगर मैं प्ले करूंगा तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। की वाइड डायल के साथ आ रही है, अब देखो कितना वाइड है इसका डायल, बहुत ही वाइड है इसका डायल। और अभी मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेटिव वॉलपेपर लगा रखा है, इसका नाम ही आई थिंक इन्फॉर्मेटिव वॉलपेपर है, जिसके अंदर आपको आपके स्टेप्स दिखाता है, प्रेशर दिखाता है, हार्ट रेट दिखाता है, आपको टाइम दिखाता है, आपका डे भी दिखाता है, जैसे ट्यूजडे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप नीचे देखो मेन मेन्यू में जाओगे तो ये देखो ये चेंज हो गया, इसका 9 ऐप मेन्यू में आ गया। उसका क्राउन वर्किंग रहने वाला है, तो जितना इतना ही जूम होता है, जो कि डिसेंट जूम है, और जब आप इसको जूम इन कर जूम आउट करते हो तो ये इतना जूम होता है, ताकि सारी एप्स एक ही स्क्रीन पे विजिबल हो, इधर उधर डिस्प्ले डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ वापस से, ताकि हमें मुझे बताने में आसानी। मैंने इसको 9 ऐप स्टाइल कर दिया, ठीक है, ये हो गया। मत कीजिए, अप्रॉक्सीमेट होते हैं, ठीक ही दिखाता है जहाँ तक है। हिस्ट्री में आपको ये बताया कि आपने कितनी वॉकिंग की है, अगर आप दूसरे ऑप्शन ऐड कर देंगे या राइडिंग ऐड कर देंगे तो वो भी दिखा देगा। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप जैन डाउन कर सकते हैं, मल्टी मीडिया वॉल्यूम करना है या रिंग वॉल्यूम को करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मल्टी मीडिया चले अपने घर को वापस, भीड़ बहुत है भाई। लास्ट प्रेम मंदिर था जो आप लोगों को दिखाना था आज की ट्रिप में भाई, इतना ही। जल्दी मिलूंगा दूसरे वीडियो में भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भैया जिसको बढ़िया लगा हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। भैया मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में, बाय बाय।